जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं सीआरपीएफ एनसीएम भर्ती को लेकर। जी हां दोस्तों, आप लोगों के आंसर के आने के बाद में लगातार बच्चों का इंतजार हो रहा है रिजल्ट को लेकर। आखिर रिजल्ट कब तक जारी होगा? बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर टाइपिंग और स्किल टेस्ट की तैयारी करें या नहीं करें, आखिर रिजल्ट है वो क्यों डिले किया जा रहा है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे आने वाली सीआरपीएफ हेड पोस्टल मिनिस्ट्री रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों काफी बड़ा रिक्रूटमेंट था और काफी लंबे समय तक आप लोगों ने इंतजार किया था, इसके बाद में ये आप लोगों का हेड पोस्टल मिनिस्ट्री का रिक्रूटमेंट आया था। वैकेंसी की बात करो 1400 से ज्यादा पदों का ये रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों के लिए आप लोगों की वैकेंसी है, जिसमें एनसीएम और एसआई दोनों के लिए रिक्रूटमेंट आया था और जिसका जो एग्जाम की जो डेट है, जो सीआरपीएफ ने रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के समय बताई थी, उसी समय आप लोगों का सही समय पर एग्जाम भी कंडक्ट हो चुका था, आंसर की भी सही समय पर आ चुकी थी, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो लगातार डिले किया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर बात करने वाले आखिर रिजल्ट को क्यों डिले किया जा रहा है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से आंसर की जारी होने के बाद में भी सीआरपीएफ ने अभी तक रिजल्ट है वो रोक रखा है। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं, अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन या फिर सीआईएसएफ ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ ड्राइवर, एसएसबी ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ हेड कोस्टल मिनिस्ट्रियल, एसएसबी हेड कोस्टल मिनिस्ट्रियल की टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप हमारा बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म है उस पर आ सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को बताएं, हमारा जो एनसीएम का जो बैच था उससे भी काफी ज्यादा बच्चों को मदद मिली है, क्योंकि यहां पर जो जनरल एप्टीट्यूड में आप लोगों को कुछ अलग चीजें पढ़ाई जा रही थी। हमने आपको बार बार यही बताया था कि जनरल एप्टीट्यूड में जीके के पोर्शन है वो यहाँ पर आप लोगों को आने वाला है, और जीके का पोर्शन ही यहाँ पर पूछा गया था और वही चीजें पढ़ाई थी, बच्चों को काफी ज्यादा फायदा हो गया। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अच्छी बात है कि अभी दो दिन के लिए सभी कोर्सों पर भारी ऑफर दिया जा रहा है मात्र 399 रुपए में, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लास है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, साथ ही आपको शॉर्टली पढ़ने के लिए टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी, संडे टू संडे आप लोगों का लाइव टेस्ट रहने वाला है और ये सब कुछ आपको मात्र 399 रुपए में दिया जा रहा है। तो अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दीजिएगा, बाकी साथ साथ में स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है यहां पर जो आपकी कट ऑफ है वो मिनिमम कट ऑफ नंबर पे ही आप लोगों को बुलाया जाएगा। पिछला रिक्रूटमेंट जो आप लोगों का आया था उसमें भी 2016-17 के लगभग जो आपका रिक्रूटमेंट आया था उसमें भी दोस्तों मिनिमम कट ऑफ पे ही बच्चों को स्किल टेस्ट और टाइपिंग की टेस्ट के लिए बुलाया गया था। अगर आपके 40 नंबर भी बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग की टेस्ट की तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, आखिर क्यों इसे डिले किया जा रहा है। देखो सबसे पहला कारण मैं आप लोगों को बता दूं, सीआरपीएफ का क्या है, सीआरपीएफ है वो एक नोडल एजेंसी है और अभी आप सभी को पता है एसएससीजीडी का मेडिकल चल रहा है और एसएससीजीडी का मेडिकल और फिजिकल की जो नोडल एजेंसी है वो सीआरपीएफ है। तो सीआरपीएफ का पहला कारण ये है रिजल्ट नहीं आने का कि जो आपकी एसएससीजीडी है उसका भी प्रोसेस है वो भी सीआरपीएफ पूरा करवा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं सीआरपीएफ एनसीएम से पहले एक पैरामिलिट्री का पैरामेडिकल का जो रिक्रूटमेंट है 2019-20 के लगभग आया था, जिसका एग्जाम है वो अब एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, तो जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट पहले आएगा तो उसका प्रोसेस भी पहले करवाया जाएगा। तो ऐसे में उसी की वजह से आप लोगों का रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जा रहा है, लेकिन जल्दी पैरामेडिकल वालों का जो रिजल्ट आ जाएगा आंसर की के बाद में तो आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलने वाला। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से आप लोगों का रिजल्ट है वो अभी रोक रखा है। इसके साथ में बता दूं अभी आप लोगों का सीआरपीएफ जो ट्रेड्समैन और ड्राइवर का जो प्रोसेस है जिसमें आंसर की आ चुकी है लेकिन अभी भी उसका रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल का रिजल्ट नहीं आया। इससे पहले जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था सीआरपीएफ पैरामेडिकल, उसका रिजल्ट यहां पर नहीं आ पाया है, तो ऐसे में भर्ती प्रक्रिया है वो रुक चुकी है। तो अब एसएससीजीडी का मेडिकल चल रहा है और मेडिकल खत्म होने वाला है, उसके बाद में जो आप लोगों का रिजल्ट है वो यहां पर सीआरपीएफ एनसीएम का आप लोगों को सामने देखने को मिलने वाला है। लगभग मैं आपको बता दूं अगस्त महीने में आप लोगों का रिजल्ट यहां पर जारी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट जारी नहीं करने का एक और कारण है, क्योंकि रिजल्ट जैसे सीआरपीएफ जारी करेगी तो रिजल्ट जारी करने के 15 से 20 दिन बाद में ही आप लोगों का यहाँ पर स्किल टेस्ट होना है। लेकिन ऐसे में अगर सीआरपीएफ एसएससीजीडी का मेडिकल करवा रहा है, पैरामेडिकल का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है तो रिजल्ट वो तैयार कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर आप लोगों का जो है रिजल्ट है उसे रोका गया है।
लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक स्किल टेस्ट की, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी नहीं की है तो शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि पिछली भर्ती में भी बहुत ज्यादा बच्चे टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट में बाहर हुए थे। मिनिमम मतलब अगर आपके 40 नंबर बन रहे हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, टाइपिंग के लिए तो आपको बुलाया ही जाएगा, लेकिन फाइनली जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी वैकेंसी के ऊपर निर्भर करेगी कि वैकेंसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग कितने बच्चों को यहां पर पास किया जा रहा है, उस पे आप लोगों की निर्भर यहां पर करने वाली है। तो आप एक बार कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप टाइपिंग टेस्ट की भी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।